हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 26 सितंबर को सोनीपत के राय स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में होने वाली थी। अब इस रैली का कार्यक्रम बदल दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम तथा स्थल में बदलाव करके भाजपा हरियाणा को बड़ा संदेश देना चाहती है। बता दें, अब यह रैली एक दिन पहले 25 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के जन्म के उपलक्ष्य में सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही नहीं, इस दिन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जन्म दिवस होता है। करीब एक सप्ताह पहले रैली के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। खास बात यह है कि सिर्फ रैली की तारीख में ही नहीं बल्कि स्थान में भी बदलाव किया गया है। 25 सितंबर को अब प्रधानमंत्री सोनीपत की बजाय गोहाना में आएंगे। 25 सितंबर को हरियाणा की धरती पर प्रधानमंत्री को बुलाकर भाजपा दो बड़े नेताओं के माध्यम से हरियाणा में एक साथ कई जातियों को एक मंच तले लाने का काम करेगी। अब यह रैली गोहाना में रोहतक पानीपत हाईवे के बाईपास के पास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की खाली जगह में होगी। बताया जा रहा है कि पहले की जगह पर 22 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को पहुंचने के लिए अधिकतर दूरी तय करनी पड़ती, जिसमें काफी समय और कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो रही थी। तो इस समस्या पर गौर करते हुए यह बदलाव किए गए हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।